है उसका भी इंटरनेट कनेक्शन लाजमी है, वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तभी वो डाटा रिसीव कर सकता है। तो उनको आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर डिवाइस को, आपकी फैक्स मशीन को, जो डिवाइस आपके नेट इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाती है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाती है, वो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस आ जाती है। इसमें आपका मॉडम आ जाता है, आपका NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क कार्ड आ जाते हैं कि जिनको आप यूज़ करते हुए अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाते हैं। तो वो इसका होना भी लाजमी है। अगर कम्युनिकेशन डिवाइस होगी आपकी तभी आप इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और तभी आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपके मोबाइल में इसका होना इसलिए भी लाजमी है कि देखें, आप एक तो इंटरनेट का कनेक्शन इसने प्रोवाइड करना है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके मोबाइल में जो आपके कंप्यूटर में जो भी आपका डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, वह 0 और 1 की फॉर्म में होता है। लेकिन आपने जो डाटा सेंड करना है वो 0 और 1 तो नहीं जाएंगे, आपका 0 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, वो जाएगा आपका वेव्स की फॉर्म में जाएगा। देखा, जो वेव्स की फॉर्म में जाएगा आपके कंप्यूटर का जो डाटा है उसको वेव्स की फॉर्म में भी इसने कन्वर्ट करना होता है, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं उसको वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजना होता है। और दूसरी तरफ रिसीविंग साइड पे जो कंप्यूटर होता है वो देखें तो वो क्या आपकी वेव्स को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, उसको तो वेव्स का नहीं पता। जो वहाँ पर जाके उन्हीं वेव्स को दोबारा से 0 और 1 की फॉर्म में जो कन्वर्ट करना होता है वो भी आपकी नहीं कम्युनिकेशन डिवाइस का काम होता है। उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन मीडियम आ जाता है। ट्रांसमिशन मीडियम, हम कोई रास्ता यूज़ करते हैं, जिस रास्ते से हम डाटा अपना सेंड करते हैं वो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम आ जाता है। वो आपका केबल हो सकती है, वो आपका वायरलेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या सैटेलाइट के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। वायरलेस में आपका सैटेलाइट आ जाता है, या ब्लूटूथ के थ्रू, या वाईफाई के थ्रू हम जो डाटा सेंड करते हैं उसमें आपका, या आप केबल यूज़ कर सकते हैं, केबल कोई भी आप हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल, या आप टेलीफोन लाइन ही यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी आप मीडियम यूज़ करेंगे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम आ जाता है। तो इसका होना भी मस्ट है, अगर आपका ट्रांसमिशन मीडियम होगा तभी आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। प्रोटोकॉल्स कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं किसी भी डाटा को सेंड करने के। आपने जो डाटा सेंड करना है उसको सेंड करने का कोई असूल होगा कि आपने इस असूल के तहत अपना डाटा सेंड करना है। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उन्होंने आपके जो दो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना होता है। जो सेंडर ने डाटा सेंड करना है तो रिसीवर को बताना होता है कि आपके लिए डाटा से कोई कंप्यूटर सेंड कर रहा है, तो आप तैयार हो जाएं रिसीव करने के लिए। वो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो आपका फिर डाटा जो सेंडर कंप्यूटर है वो डाटा को सेंड करेगा और रिसीवर कंप्यूटर डाटा को रिसीव करेगा। और भी के कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा यूज़ करना है, आप कम्युनिकेशन मीडियम बहुत सारे होते हैं तो उनमें से कौन सा यूज़ करना है, कौन सी केबल यूज़ करनी है, टेलीफोन लाइन यूज़ करनी है या फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज़ करनी है, या आपने वाईफाई यूज़ करनी है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, उनमें से कौन सा बेस्ट होगा जिसके थ्रू आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स का काम है, असूल हैं, वो जो रूल्स हैं उनके थ्रू ही आपका ये सारा काम होता है। तो ये थे हमारे कुछ उसके कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स थे। उसके बाद हम आ जाते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। डाटा ट्रांसमिशन मोड होता है जिस वे के थ्रू हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारा डाटा ट्रांसमिशन मोड आ जाता है। कि आपका डाटा किस डायरेक्शन को फ्लो करता है, इफ़ वन साइडेड है या बोथ साइडेड डाटा ट्रांसफ़र आपका डाटा मूव कर रहा है, तो वो आपका डाटा ट्रांसमिशन मोड्स आ जाते हैं। इनमें हमारा आ जाता है, तीन तरह के आ जाते हैं हमारा। सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड आ जाता है, उसके बाद हाफ डुप्लेक्स मोड आ जाता है, उसके बाद फुल डुप्लेक्स हमारा मोड आ जाता है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, आपका डाटा होता है जस्ट एक साइड को मूव करता है, लाइक अ वन वे स्ट्रीट की तरह के, जिसमें ट्रैफिक एक साइड को ही चलती है। तो ये जो है सिंप्लेक्स मोड में आपका एक सेंडर कंप्यूटर होता है और दूसरा रिसीवर डिवाइस होती है, जो एक सेंड कर रही होती है डाटा और दूसरी डिवाइस रिसीव कर रही होती है। जो डिवाइस आपकी सेंड कर रही होती है वो हमेशा सेंड ही डाटा कर सकती है, वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकती। सेंडर का काम क्या है, उसने हमेशा डाटा को सेंड ही करना है, कभी भी वो रिसीव नहीं कर सकता। और जो डाटा को रिसीव करती है डिवाइस, वो आपकी डाटा को सिर्फ रिसीव ही कर सकती है, वो डाटा को सेंड कभी भी नहीं कर सकती। इसमें आपका डाटा ए से बी की तरफ एक ही साइड को फ्लो होगा, दोनों साइड को आप डाटा सेंड नहीं कर सकते। इसकी जो एग्ज़ाम्पल आ जाती है, ये हमारी टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आ जाती है, जो हम आजकल चैनल्स देखते हैं उसमें क्या है,
उस पर जो वो जहाँ से वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, जहाँ से वो चैनल चलाया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो डाटा को सेंड कर रहे हैं। वो जस्ट क्या कर सकते हैं, वो डाटा को सेंड ही कर सकते हैं, वो डाटा को सेंड करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम वो टेलीविज़न टीवी लगा के हम डाटा को रिसीव कर सकते हैं। हम जस्ट वो चैनल देख रहे होते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन वो डाटा हम देख रहे होते हैं। हम क्या हैं, हम वहाँ पर रिसीवर हैं। और हम उनको कभी भी डाटा सेंड नहीं कर सकते, कोई भी मैसेज उनको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हम हमेशा ही रिसीवर रहेंगे और वो हमेशा ही सेंडर रहेंगे। ये आ जाती है हमारी सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल आ जाती है कि जो टेलीविज़न है, ब्रॉडकास्टिंग है, तो इसमें आपका डाटा जस्ट एक साइड को ही फ्लो होता है। उसके बाद हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड आ जाता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में आपका डाटा दोनों डायरेक्शन को फ्लो कर सकता है। आप डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। जो एक दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों कंप्यूटर डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। बस तो ये है कि वो दोनों एट अ टाइम नहीं कर सकते। अब जब एक कंप्यूटर है वो डाटा को सेंड कर रहा है, तो दूसरा कंप्यूटर क्या है, वो जस्ट डाटा को रिसीव कर सकता है। जब एक डाटा सेंड कर रहा है तो दूसरा कंप्यूटर उतनी देर के लिए डाटा को रिसीव नहीं कर सकता, वो जस्ट सेंड नहीं कर सकता, सॉरी, वो सिर्फ उसको डाटा को रिसीव ही करेगा। जब इसी तरह से जब दूसरा उसका काम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्यूटर ने डाटा सेंड कर दिया, फिर दूसरा कंप्यूटर डाटा सेंड करता है, जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो अब डाटा को सिर्फ रिसीव कर सकता है, वो डाटा को सेंड नहीं कर सकता। ठीक है जी, आप क्या इसमें क्या है कि एट अ टाइम नहीं आप डाटा सेंड कर सकते दोनों डायरेक्शन को, लेकिन दोनों डायरेक्शन को आप जो हैं वो सेंडर भी हो सकते हैं, वो रिसीवर भी हो सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम क्या हो सकता है, या तो आप सेंडर हैं या तो आप रिसीवर हैं। उसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ये वॉकी टाकी, ये पुलिस वालों के पास जो वॉकी टाकी होता है वो आप लोगों ने शायद देखा हो कि उसमें क्या होता है, एक बंदा उसमें वो बोल रहा होता है, अपना मैसेज सेंड कर रहा होता है, दूसरा क्या कर रहा होता है, उसको जस्ट सुन रहा होता है। जब जिस बंदे ने मैसेज सेंड करना है वो उसने सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद वो ओवर का लफ्ज बोलता है कि ओवर, मेरी बात कंप्लीट हो गई है, फिर वो दूसरा एक बटन प्रेस करता है, वो क्या बन जाता है, सेंडर से वो क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। और दूसरा बंदा जो वो मैसेज सुन रहा होता है वो उसको ओवर के लफ्ज को सुन के वो फिर बटन प्रेस करता है, बटन प्रेस करने के बाद क्या होता है, वो सेंडर बन जाता है, फिर वो अपना मैसेज सेंड कर सकता है। जो फर्स्ट बंदा था जिसने पहले मैसेज सेंड किया था, फिर वो उसके मैसेज को रिसीव कर रहा होता है, सुन रहा होता है। दूसरी एग्जांपल इसकी हमारी इंटरनेट सफरिंग आ जाती है कि जिस इंटरनेट हम पे कुछ भी सर्च करते हैं उस पर क्या हम लिखते हैं, हम कोई अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं। आपका इंटरनेट है वो उसको डाटा को वेब जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो डाटा को रिसीव कर रही होती हैं जस्ट, फिर क्या वो आपकी इंटरनेट वो ही उस आपकी इंफॉर्मेशन को ढूंढ के आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, फिर वो सेंडर बन जाता है और हम क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं, डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है कि आप जब आपने एक बार डाटा को सेंड किया, सेंड करने के बाद चेंज ओवर करने में आपका जो टाइम वेस्ट होता है उससे आपकी स्पीड हो जाती है। जब सेंडर ने रिसीवर बना है और रिसीवर ने सेंडर बना है तो उसमें आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, जो टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद फुल डुप्लेक्स मोड आ जाता है। फुल डुप्लेक्स मोड में आपका डाटा होता है वो बोथ डायरेक्शन को फ्लो कर सकता है एट अ सेम टाइम। आप डाटा सेम टाइम पे आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं, आप डाटा रिसीव भी कर रहे होते हैं, सेंडर भी हैं आप, रिसीवर भी हैं एट अ टाइम। तो इसमें आपका डाटा जो फास्ट ट्रांसमिट होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए अब सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर बनने में टाइम वेस्ट नहीं होता, तो आप एट अ टाइम डाटा को रिसीवर सेंडर रिसीव भी कर रहे होते हैं और सेंड भी कर रहे होते हैं, इससे आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फुल डुप्लेक्स मोड की जो एग्जांपल है हमारा ये टेलीफोन कॉल्स आ जाते हैं कि जिसमें हम एट अ टाइम किसी बंदे के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम डाटा को रिसीव भी कर रहे होते हैं, हम डाटा को सेंड भी कर रहे होते हैं, हम अपनी बात भी बोल रहे होते हैं, दूसरे बंदे की बात सुन भी रहे होते हैं। तो ये हमारा डाटा ट्रांसमिशन है मोड है ये सबसे फास्ट है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। हम जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं, वो किन किन फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वो डिजिटल फॉर्म में हो सकता है या वो एनालॉग फॉर्म में हो सकता है। डिजिटल फॉर्म में आपका डाटा किस फॉर्म में होगा, 0 एंड 1 की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होगा। इसका आपका डाटा इस तरह से, जब मैं अगर मैंने यहाँ से डाटा सेंड करना है तो आपका इस तरह से आपका जो 1 होगा वो हाई होगा, प्लस की फॉर्म में होगा, जो आपका 0 होगा वो नेगेटिव की फॉर्म में, आपका माइनस की फॉर्म में होगा। उन 0 को नीचे को शो करना है और 1 को ऊपर को शो करना है। अब मैंने अगर 1 0 1 1 को सेंड करना है तो आपका इस तरह से सेंड होगा, ये 1 0 1 एंड
वन, ये हमारा आ जाता है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। इसमें आपका डाटा जो ट्रांसमिट होगा वो जीरो एंड वन की फॉर्म में होगा। और मैंने पहले कहा था कि हमारा जो डाटा होता है ट्रांसमिट होता है वो जीरो एंड वन की फॉर्म में तो ट्रांसमिट ही नहीं होता, जीरो एंड वन तो केबल से तो जीरो एंड वन नहीं गुजरती, ठीक है। ये जीरो केबल से तो आपकी वेव्स या आपकी वेव्स ही गुजर सकती हैं, तो ये हम डिजिटल फॉर्म में कैसे डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, आपके जो वन होता है इसको वो ऑन सिग्नल काउंट करता है, जो आपका ज़ीरो होता है इसको ऑफ सिग्नल काउंट करता है। आपके सिग्नल्स जाते हैं इसमें भी क्या होता है, ऑफ ऑन या ऑफ सिग्नल्स जाते हैं डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में, क्या हमने जो भेजना है जो हमने डाटा है हमारे वो जीरो एंड वन को क्या करता है ऑन एंड ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। इस सिग्नल को वो ऑन का नाम देगा, इस सिग्नल को वो ऑफ का नाम देगा। इस तरह से ऑन ऑफ सिग्नल के नाम से ये मूव होगा आपका डाटा जब आपने सेंड कर दिया, और जो रिसीविंग साइड पे जाके उसको सिग्नल रिसीव होंगे ऑन एंड ऑफ के, वो उन ऑन एंड ऑफ के सिग्नल्स को फिर दोबारा से आपके जीरो एंड वन की फॉर्म में कन्वर्ट करके डाटा को रिसीव करता है, उसको रीड करता है कि ये कौन सा डाटा सेंड किया है। तो डाटा जो डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन है ये हमारी फास्ट डाटा ट्रांसमिशन है, इसमें आप स्पीड से डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं कि जब ऑन एंड ऑफ सिग्नल हैं वो बड़ी स्पीड से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे मूव होते हैं। उसके बाद हमारा एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन आ जाता है। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन में आपका जो डाटा होता है वो वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आपका डाटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका इस तरह से वेव्स की फॉर्म में आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो आपके जो उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके एक टाइम इंटरवल में यहाँ से इस वेव्स ने यहाँ से यहाँ तक जाना है आपके डाटा ने, तो यहाँ से यहाँ तक मूव होने में ये वेव खुद को कितनी बार रिपीट करेगी, तो ये हमारा कहता है फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक लेके एक बार खुद को रिपीट कर रही है, तो ये हाई वेव और ये लो वेव, और यहाँ से यहाँ तक इसको एक होगा और ये फिर ये सेकंड और ये थर्ड, ये यहाँ पे हमारा तीन बार इसने इसको रिपीट किया, तो हम कहेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्री है। और उसके बाद एम्पलीट्यूड आ जाता है। एम्पलीट्यूड ये वेव की हाइट होती है, ये वेव कितनी इसकी हाइट है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो हमारा एनालॉग में डाटा ट्रांसमिट होता है वो इस तरह से वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। वो जीरो एंड वन ही होंगे, जीरो एंड वन को क्या होगा वो वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और वेव्स एक किसी भी केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती हैं, और वहाँ पे जाके फिर इसको जीरो एंड वन की फॉर्म में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर दूसरा जो रिसीव कर रहा है उसको रीड करेगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।